लड़ते हैं, वी आर द लिबरेटर। हम देश को लिबरेट करने चाहते हैं फ्रॉम द शैकल्स ऑफ द कैपिटलिज्म। हम चाहते हैं पूंजी निवेश करो, पूंजी निवेश करो, यू वांट इन्वेस्टमेंट। इवन फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हम चाहते हैं, विदेशी पूंजी को निवेश भी हम चाहते हैं। हम चाहते हैं प्रोडक्शन, उत्पादन चाहते हैं, वेल्थ चाहते हैं, एंड टू बी प्रोपोर्शनली शेयर्ड। हम ये चाहते हैं, इसके लिए हम लड़ाई है। ये देश हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने चाहते हैं। हम चाहते हैं इंडिया टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हम विकास चाहते हैं, हम फैक्ट्री चाहते हैं, हम उद्योग चाहते हैं। वी वांट डेवलपमेंट, वी वांट फैक्ट्री, वी वांट इन्वेस्टमेंट, वी वांट जॉब ऑल्सो। एट द सेम टाइम वी वांट that peasantry should be given the due for the role they play in producing the agricultural products of the country. Allah ho, ye chahte hain hum. This is the context. Working class is not selfish. Hum log sirf mazdoor ke liye chinta nahi karte hain. Mazdoor desh ke liye chinta karte hain. देश के लिए चिंता करते हैं, इसके लिए सिर्फ वेज के बारे में हम नहीं बोलते हैं, डेवलपमेंट के बारे में बोलते हैं। दैट इज व्हाई वी नॉट ओनली स्पीक फॉर आवर सेल्फ, वी स्पीक फॉर द नेशन। वी आर पेट्रियटिक, हम देश को मोहब्बत करते हैं, हम देश को आगे बढ़ाने चाहते हैं। This is my country. हम आजादी चाहते हैं, फ्रीडम फॉर स्पीच। हम हमारा बात बोलने चाहते हैं, हमारा बात बोलने का अधिकार चाहते हैं। हम विरोध करने चाहते हैं, आई हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट, आई हैव अ राइट टू अपोज। हम विरोध भी करने चाहते हैं, विरोध करना हमारा अधिकार है, हमारा फर्ज है। आज देश में जो हो रहा है इसको खिलाफ भी हमको लड़ने होगा। डेमोक्रेसी लेकर जनवादी सिस्टम को ले तो ताकत देने के लिए लड़ने होगा। जो आदमी हमसे टुकराएगा उसको खिलाफ करने का अधिकार हमारा है। हम विरोध करने चाहते हैं। इन शॉर्ट My dear friends, it is the way in which we should talk in our country. We want exportation to end. Akri, yeh akri daagi hamara, akri mantra. We want to end exportation. We want working people should be master of the country, not the corporates. Corporates have a role, but that does not mean they can do whatever they like. इसको खिलाफ हम लड़ेंगे। Please understand this. I wish my comrades understand. We are in a turmoil, साथी। Turmoil में हम हैं। खतरा में है, विच थ्रेटन्स द ट्रेड यूनियन मूवमेंट। जो परिस्थिति हमारा ट्रेड यूनियन मूवमेंट को खत्म करने चाहते हैं,
इसको खिलाफ भी हमारा लड़ाई है। सिर्फ पैसा का लड़ाई नहीं, पॉलिटिकल बैटल वर्किंग क्लास हैज टू लीड, वी हैव टू लीड ए पॉलिटिकल बैटल, पॉलिटिक्स ऑन डेमोक्रेसी, ऑन फ्रीडम, ऑन लिबर्टी, ऑन यूनिटी, टू सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लड़ाई है। कोई साथी बोलते हैं ट्रेड यूनियन माने तो पैसा का लड़ाई है, नहीं, सिर्फ पैसा का लड़ाई नहीं, पैसा का लड़ाई है जरूर, यह हमारा मांग है, पैसा का मांग हम करेंगे जरूर, दिस इज माई डिमांड, दिस इज माई राइट, राइट टू हैव ए शेयर ऑफ द वेल्थ आई प्रोड्यूस, राइट टू हैव ए शेयर ऑफ द वेल्थ दैट आई प्रोड्यूस, यह हमारा अधिकार है, राइट है, हम करेंगे जरूर, लेकिन वी कैनॉट बी ओब्लिवियन, वी कैनॉट इग्नोर द अदर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, लेकिन हम देश में जो हो रहा है उसका बारे में हम चुप नहीं रह सकते हैं, एक साथ लड़ना है, स्ट्रगल फॉर वेज, स्ट्रगल फॉर लिबर्टी, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी एंड स्ट्रगल फॉर चेंज एंड स्ट्रगल फॉर प्रोग्रेस, इट इज ऑल इंटीग्रेटेड होल ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट। जो लड़ाई हम करने चाहते हैं, पैसा का लड़ाई, आजादी का लड़ाई, जनवादी व्यवस्था का लड़ाई, शोषण का खिलाफ का लड़ाई, देश का प्रगति का लड़ाई, देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई, हमारा विरोध करने का अधिकार रखा करने का लड़ाई, सब एक है, इट इज एन इंटीग्रेटेड होल, वी फाइट अगेंस्ट ऑल दिस, वी फाइट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉमरेड, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द रिफॉर्म ऑफ द लेबर लॉ, इट इज ट्रू, एट द सेम टाइम वी मस्ट फाइट अगेंस्ट कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का खतरा क्या है, ये देश को तोड़ने चाहते हैं, देश को तोड़ने चाहते हैं, हिंदू मुसलमान विवाद लेकर के, हिंदू मुसलमान ईसाई को विवाद लेकर के देश को तोड़ने चाहते हैं, विभाजित करने चाहते हैं, दे वांट टू डिवाइड द कंट्री, अलिकाई को रखा करने के लिए हम लड़ने चाहते हैं, देयरफॉर इट इज ऑल्सो एन एजेंडा ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट। सब लेकर के चलना जरूरी है, डेमोक्रेसी मीन्स पेशेंस, डेमोक्रेसी मीन्स डिबेट, डेमोक्रेसी मीन्स डिस्कशन, जनवादी व्यवस्था को माने हैं, विचार करो, आलोचना करो, विरोध करने का अधिकार रखो, लेकिन जुलूम से नहीं, नॉट बाई फोर्स बट बाई द फोर्स ऑफ रीजन, वी मस्ट विन बाई द फोर्स ऑफ रीजन, नॉट बाई फोर्स, दिस इज ब्रॉड फ्रेमवर्क जिसको लेकर के चलते हैं हम। जो अब देखते हैं कि हमारा देश में जुलूम हो रहा है, किसी के ऊपर जुलूम हो रहा है, हम उसको विरोध करते हैं, हम जुलूमबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथी, एक बात जरूरी है, हमारा ट्रेड यूनियन मूवमेंट किसी जुलूम को मानेंगे नहीं, हिंदुस्तान में हम जुलूम के खिलाफ लड़ेंगे, जो पैसा के लिए लड़ेंगे, जुलूम के खिलाफ भी हम लड़ेंगे, जुलूम के खिलाफ, जुलूम हो रहा है आज देश में, जुलूम हो रहा है, लाठी का जुलूम, पुलिस का जुलूम, देशद्रोही बोल करके नौजवान के ऊपर जुलूम हो रहा है, हम इसको खिलाफ है, इसको विरोध करना जरूरी है। दिस इज द ब्रॉड फ्रेमवर्क अंडर विच, दिस इज द ब्रॉड फ्रेमवर्क अंडर विच यू शैल डिस्कस।
भाई साहब हमारा परिस्थिति बहुत गंभीर है, हम बोले हैं। हमारा आर्थिक व्यवस्था को देखो, इकोनॉमी इज इन डोल्ड्रम्स। हमारा आर्थिक परिस्थिति, आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम इज इन डोल्ड्रम्स, खतरा में है। आर्थिक परिस्थिति गंभीर है, इकोनॉमिक कंडीशन इज ग्रेव, ग्रीम, ड्रेडफुल। हमारा देश का आर्थिक परिस्थिति गंभीर है, आर्थिक परिस्थितियों के साथ हम जुड़ा हुआ है। देयर इज रिसेशन, रिसेशन यही कौन है, क्या रिसेशन है? रिसेशन है जब कोई विकास नहीं होती है उसको रिसेशन है। डाउन टर्न ऑफ द इकोनॉमी बहुत दिन से चल रहा है। ये सरकार के पहले जो सरकार था उन्होंने भी मंदी को बर्दाश्त कर रहे थे, ये सरकार भी कुछ नहीं कर पाए हैं। 2 साल हो गया सरकार है, मंदी चल रहा है हमारे देश में, मंदी है हमारे देश में, महंगाई है। मंदी और महंगाई दोनों चीज एक साथ है, मदारी का खेल देखो, मंदी और महंगाई एक साथ हो रहा है। मंदी का टाइम में दाम को घटना चाहिए था, उल्टा हो रहा है, दाम ज्यादा बढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन, आटा का दाम कितना है भाई पूरा हिंदुस्तान में? आटा का दाम है बढ़ते जा रहा है, तेल का दाम, सरिषा का तेल का दाम, तेल का दाम 80 रुपया 85 रुपया, चीनी का दाम, तेल चीनी, दाल का दाम। गरीब खाते हैं चावल और दाल, नहीं तो रोटी और दाल। दाल हम नहीं खाते हैं आज, दाल का दाम इतना ज्यादा हो रहा है, गरीब खाएगा क्या? दिए से दिए कैनॉट कवर द इरोशन ऑफ वेज ड्यू टू इन्फ्लेशन, डियरनेस अलाउंस कैनॉट कवर द इरोशन। एक साथ चल रहा है हमारा देश में, हमारा देश में निवेश कम होते जा रहा है, इन्वेस्टमेंट इज स्लोइंग डाउन। हमारा देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे हैं, ये सरकार, हमारा बीजेपी को सरकार, एनडीए को सरकार, इन्होंने विश्वास नहीं करते हैं हमारा देश में पूंजी है कि नहीं, विश्वास नहीं करते हैं। इन्होंने पूंजीपतियों के ऊपर टैक्स नहीं बैठाते हैं, टैक्स छूट देते हैं, इन्होंने बाहर से पूंजी ले आने चाहते हैं, और बाहर से पूंजी ले आने के लिए इन्होंने श्रम कानून को बदलने चाहते हैं। दिस गवर्नमेंट डज नॉट बिलीव दैट देयर इज वेल्थ इन द कंट्री, देयर इज मनी इन दिस कंट्री, देयर इज कैपिटल इन दिस कंट्री, देयर इज रिसोर्स इन द कंट्री।